गाइस, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आकृति बिछाई है फोल्डिंग। तो मेरा अभी तो लंच हो रहा है और मैं सुबह से आज ये गई है, स्कूल नहीं गई है। तो मैंने ही नहीं भेजा क्योंकि इसकी वैन ख़राब हो गई थी कल, इसीलिए इसका लेट हो गया था आने में। तो बनी नहीं है, ऑटो में है। तो ऑटो किए थे स्कूल वाले, तो मैं इसी ऑटो में नहीं भेजी क्योंकि ऑटो में काफ़ी दिक्कत होगी, छोटी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज स्कूल नहीं जाना होगा इसको। तो ये अपनी नानी के साथ आज खेल रही है क्योंकि नानी आई है इसकी। तो मेरी मम्मी का यहाँ पर काम था तो आई है, मैंने कहा कि रह लो दो दिन। तो इधर यहाँ पे देखिए, ये बिठाई हमको फोल्डिंग, बोली मम्मी फोल्डिंग बिठाओ। तो ये छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो सभी जगह को घेर लेती है। तो मैंने यहाँ पे फोल्डिंग इसको बिठा दी, खेल रही है मम्मी वहाँ पे, अभी टीवी देख रही थी। क्या करी, टूट जाएगा, टूट जाएगा बेटा, तो उसकी मस्ती देख रहे हैं। तो ये गंजी वाली है, ये गंजी हमेशा, इसको गंजी ज़्यादा पसंद। मंदिर ओ, गर्मी लग रहा है, हाँ गर्मी दे रहा है बेटा। तो आप मंदिर गए थे तो खोल दी ड्रेस। और मैं आज अभी बनाऊंगी मशरूम की सब्जी। तो इनके पापा मशरूम लाए थे, तो बिना प्याज लहसुन का भी चलेगा, तो प्याज लहसुन नहीं बना रही हूँ। आकृति बदमाशी नहीं, आकृति पोयम सुना था तो थोड़ी सी एप्पल वाली छोटी सी है। अच्छा उठो बैठो, सुनो आज आकृति पोयम सुनाएगी आपको। एप्पल का क्या फायदा है, तो बोलो छोटी सी है, क्या बोलते हैं उसको बंद कर ले। सभी फलों में सेब है न्यारा, लाल लाल, लाल लाल सा प्यारा प्यारा, एक सेब है रोज खाता, डॉक्टर को वो दूर भगाता, मम्मी मुझको सेब खिला दो बनना एप्पल जूस। जूस जूस और क्या, जूस क्या करना चाहिए, जूस पिला दो, हाय करो, बोलो मेरी पोयम आप सभी को अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर। चम 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 बिजली चमके, रिम झिम रिम झिम बादल बरसे, गरज गरज के करते सो, छाई काली घटा खनगो, प्यारी धरती में प्यास बुझा में, आई धरती आई वर्षा, बोलो गाइस मेरा पोयम आप सभी को अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, डिसलाइक जरूर दीजिएगा। तो आकृति आज आप लोग को दो को पोयम सुनाई है। तो हो उसका यदि आप पोयम इसको पसंद आया हो तो आकृति की तरफ से एक लाइक जरूर बनता है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अच्छा वो रखो, तो मैं अभी बनाऊंगी मशरूम की सब्जी। तो मैंने मशरूम को धो ली थी गर्म पानी से, उसको साफ कर ली थी, मैं इसको काट लूंगी। और मैं बिना प्याज लहसुन को बनाऊंगी, फर्स्ट बार प्याज बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ, तो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी वही। तो गाइस मैंने मशरूम को अच्छी तरह से धो ली थी और उसके बाद काट ली थी, और इधर मैंने मशरूम को फ्राई कर रही हूँ। तो मशरूम में थोड़ी पानी निकलती है, तो मेरी मशरूम फ्राई हो गई थी। उसके बाद मैंने तेल डाल दिया हूँ और जो मैंने मसाला पीसी थी तो वो सब मैं डालूँगी। और मैं रीता सिलौटी में ही मसाला पीसती हूँ, तो मैंने सारे चीज़ों को डाल दिया था, नमक हल्दी सारी चीज़ों को अच्छा से पका लिया था। उसके बाद मेरी जो फ्राई मशरूम थी तो उसको मैंने डाल दी हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, मैंने थोड़ी सी स्किप करके दिखा रही हूँ। और इधर मेरे मशरूम को थोड़ी सी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और ये मशरूम फ्राई करते ही पक गई थी, तो मैं इसे थोड़ी सी एक गिलास टाइप की छोटी गिलास में पानी डाल दूँगी और थोड़ी सी उबाल आने के बाद उतार दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी मशरूम तैयार होगी। तो मैंने कॉर्नफ्लोरा का थोड़ा सा घोल मैं इसमें डालूँगी ताकि इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और आप इसमें चावल का भी पीस के भी डाल सकते हो, तो मेरे घर में कॉर्नफ्लोरा रहता है तो मैंने उसी को ऐड कर दी हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम प्याज लहसुन का ही बना रही हूँ क्योंकि सावन पड़ गया है इसीलिए। और उसके बाद मेरी धनिया पत्ता डाल दी। तो मेरी छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।